नवम्बर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दीवा पाटिल का नाम अब दे दिया गया है। महाविकास आघाड़ी सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है और जाहिर सी बात है इसमें सर्वपक्षीय कृति समिति की भूमिका है, सभी पार्टी के नेताओं की भूमिका है। और हालिया जो अभी कांग्रेस ओबीसी की महा जो बैठक हुई थी उसमें कांग्रेस ने फैसला लिया था और प्रस्ताव पारित हुआ था कि एयरपोर्ट पर दीवा पाटिल साहब का नाम दिया जाए। इस वक्त हमारे साथ है कांग्रेस के रायगढ़ के जिलाध्यक्ष महेंद्र घरत साहब। घरत साहब, कितनी खुशी आपको हो रही है क्योंकि आंदोलन से काफी प्रकल्पवश आक्रोशित थे और ये चाह रहे थे कि सरकार जल्द निर्णय ले, अब निर्णय आया है। नहीं, बहुत हम लोग को तो बहुत संतोष हुआ है क्योंकि हम लोग दीवा पाटिल साहब के अनुयायी हैं पहले से, और जैसा भी एक गतिरोध बना हुआ था, दो दीवा पाटिल साहब का एक तो सपना था पहले से कि पूरे जितने भी नेचुरल ग्रोथ से घर बंधे हुए हैं और नई मुंबई में हो, पनवेल में, उरण में हो, उनकी बहुत संख्या ज़्यादा थी और 25-30 साल में उनके लिए वो लड़े थे। वो पहला हमारा कार्य था कि उनको पहला महाविकास आघाड़ी सरकार की ओर से उनको नियमित करना, वो बात हो गई दो महीने पहले। और उसके बाद ये जो गतिरोध बना था उसमें भी हम लोग, हमारे बबन दादा पाटिल जो नेता है उन्होंने उसमें अच्छा रोल निभाया कि उद्धव जी ठाकरे को मनाने में वो उसमें उन्होंने मनाया उनको कि देखिए साहब कि ये सब समाज का प्रश्न है। आज 9 लाख लोग जब रास्ते पे उतरते हैं तो, और ये बहुत दीवा पाटिल साहब बहुत कद्दावर नेता थे, ओबीसी के थे, फार्मर्स के थे, बहुत अच्छा काम किया, जिंदगी भर लोगों के लिए काम किया उन्होंने, आखिरी सांस तक वो लड़े, तो उनका नाम देना उचित है। तो उद्धव जी ठाकरे साहब ने, मुख्यमंत्री साहब ने हम लोग को, उन्होंने बोला कि देखो ये गतिरोध है तो अपने अपने में लड़ने से हम लोग हमारा जो नाम है वो विड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद ऐसा ही नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि कल ये नाम अनाउंस होने के बाद बहुत सारे लोग बोले अरे ऐसा ही बोल दिया सीएम साहब ने, सीएम साहब बोले ऐसा नहीं बोलेंगे, हम लोग मंत्रिमंडल का डिसीजन लेंगे। और आज शाम को इसका डिसीजन हो गया तो हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह हम लोग उनके जो पुतला है उधर गए थे, उनके गाँव में गए, बहुत जल्दों से गाँव वाले बहुत खुश है और पूरे 5 डिस्ट्रिक्ट में नहीं तो पूरा महाराष्ट्र से मेरे को फोन आ रहे हैं, क्योंकि ओबीसी का जो महाराष्ट्र का 10 जून को हमारा वहाँ परिषद हुआ था और उसमें हमारे सारे मंत्री, क्योंकि राज्य मंत्रिमंडल में 4 मंत्री और नाना पटोले साहब जो हमारे अध्यक्ष है वो सारे थे और सारों ने एक मन से उसमें ठहराव मंजूर किया था कि दीवा पाटिल साहब का इंटरनेशनल एयरपोर्ट को नाम दिया जाए। तो अभी ये उसकी सब इम्प्लीमेंटेशन हो गए, बहुत खुश है हम लोग और हम लोग जल्लोश कर रहे हैं। सर, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार ऐसे दौर में ये डिसीजन ली है जब उसके सामने बहुमत तक होने की मजबूरी आ गई थी, इसमें देरी को आप कुछ मानते हैं कि नहीं, कि कुछ वजह है जिसकी वजह से ये, या तो कहीं ऐसा तो नहीं कि शिवसेना का डैमेज कंट्रोल करने के लिए निर्णय लिया गया? नहीं, ऐसा नहीं है, ये डैमेज कंट्रोल का बात नहीं, आगे आपको 1-2 महीने में दिखाई देगा, ये सब साथ में है। ये सरकार जो बनने जा रही है वो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार बन रही है, अंदर से कुछ भी हो आपको लगता जो है वो है नहीं, उसका आपको 2 महीने में असर दिखाई देगा। तो सरकार पक्की बन रही उनकी, खाली हमारी कांग्रेस और एनसीपी आउट हो रहे हैं, लेकिन सरकार तो शिवसेना बीजेपी की बन रहे हैं, तो डिसीजन पक्का हुआ है और ठीक है, लेट हुआ ऐसा नहीं है। कि दीवा पाटिल साहब के नाम में पहले से संघर्ष है, हमेशा संघर्ष है, तो उनका नाम देने में भी संघर्ष रहने वाला था, लेकिन जब भी संघर्ष होता है तो संघर्ष की जीत होते हैं। वो हमेशा हमको बताते थे कि देखो संघर्ष करो, सत्ता किसी की भी आए जाए, हम लोग सत्ता से अपना काम नहीं बनने वाला, हमको फार्मर्स के लिए लड़ना है, हमको वर्कर्स के लिए लड़ना है। आज उनके नाम के लिए भी लोगों को जूझना पड़ा, लेकिन वो कितने कद्दावर नेता थे कि लाखों की संख्या में युवक रास्ते पे आ गए, सारे समाज के लोग आए, महाराष्ट्र से पूरी आवाज़ दी कि इनका नाम लगना चाहिए। तो अभी जो लोगों को लोग सुनना चाहते थे कि नई मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे दीवा पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आपका स्वागत है, ये ध्वनि सुनाई देगी और पक्की सुनाई देगी। एक आखिरी सवाल सर, लंबे समय से आप भी प्रकल्पग्रस्तों के लिए काम कर रहे हैं, आप यहाँ के बड़े कद्दावर नेता हैं, अब जो एयरपोर्ट नामांतरण के अलावा जो प्रलंबित समस्याएं हैं प्रकल्पग्रस्तों की, चाहे उनके गर्जेपोटी घरों का हो या उन्हें 12.5% देना हो या जो दूसरी उनसे जुड़ी समस्याएं, आपको लगता है कि इन समस्याओं के समाधान को अब थोड़ा सा गति नहीं मिल पाएगी क्योंकि मुख्य मुद्दा जो है ड्राइवर जो है, अब ड्राइवर का समाधान? नहीं, ऐसा नहीं है, रामचंद्र ठाकुर साहब जो यहाँ अभी है, जो 2 बार MP थे, बहुत अच्छा काम किया है, दीवा पाटिल साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, अभी उनका काम लेके आके जाने का कोशिश मैं कर रहा हूँ। मैं क्यों कर रहा हूँ उसमें, जैसे आप सेलगढ़ में आ जाओ, गवान में आ जाओ, सारी जगह हम लोग प्लेग्राउंड दे चुके हैं, कम्युनिटी सेंटर के पीछे है, 30 हेक्टर जमीन कमी है, अभी भी 12.5% के लिए 30 से ज़्यादा हेक्टर जमीन की कमी है, उसके ओर ध्यान नहीं दे रहे। MLAs हैं, MPs हैं, वो जितना हम लोग चाहते हैं उतना काम नहीं कर रहे,
क्योंकि वो एमएलए तो मालिक ही है, सिडको हक का मालिक अगर महाराष्ट्र सरकार है तो इन्होंने काम करना चाहिए। अभी हम लड़ रहे हैं, मैं 30-35 हेक्टेयर के लिए उनको एक जमीन दिखाया है कि यार तुम दे डालो। दिलीपाली साहब का कहना था कि सारों को 12.5% दिया जाए, तो उसका भी हम लोग अभी समाधान ढूंढ रहे हैं। नागरी विकास के लिए हम लोग बहुत पीछे पड़े, लेकिन हम लोग साथ में जूझेंगे, साथ में लड़ेंगे। पहले भी एक समिति करने में मैंने बहुत पुराकार लिया था, रामशेर ठाकुर अध्यक्ष थे, वेगपल्ली उपाध्यक्ष, भवनपल्ली उपाध्यक्ष, फिर सारों को एक साथ लाएंगे, उनको बोलेंगे ये जूते पॉलिटिक्स के बाजू में रखो, लड़ना है तो साथ में आ जाओ, और सारे साथ में आएंगे तो हम लोग जीतेंगे। लेकिन हमारा काम खत्म नहीं हुआ। दिलीपाली साहब का जो सपना है, वो जो रिहैबिलिटेशन में उन्होंने खर्चा करना था वो नहीं किया है, नागरिक सुविधा के लिए 5% ऑफ टर्नओवर नहीं कर रहे, तो उसके लिए भी हमको लड़ना है। 12.5% का जमीन कम है वो देना है, और बाकी हक की लड़ाई भी अभी बाकी है। अब आपको लगता है कि जब इस मामले में सफलता मिल गई है तो प्रकल्पग्रस्तों का हौसला बढ़ गया है, आप लोगों का हौसला बढ़ गया है, और आगे यही जो है प्रोत्साहन देगा नए आंदोलन के लिए और नए समाधान? 100%, अभी हौसला बुलंद है। अभी मैं चाहूंगा कि आगरी समाज के अध्यक्ष जो है दशरथ जी पाटिल साहब और रामशेर ठाकुर साहब को कि आगरी लोगों का जो आगरी परिषद का सम्मेलन 2011 में हुआ था, अभी नहीं हुआ है, और इतने लाखों की संख्या में अगर युवक आपके साथ है तो आप उसके लिए भी एक सम्मेलन भी हो जाए, और जो बाकी प्रश्न प्रलंबित है उसमें हम लोग डिस्कस करें और आगे कैसे जा सकते हैं उसके लिए हम लोग समाधान। थैंक यू सर। जैसा कि आपने सुना, कांग्रेस के रायगढ़ के जिलाध्यक्ष महेंद्र घर साहब जैसा कह रहे हैं कि इस आंदोलन के जरिए जो सफलता मिली है, नवीन भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो दिबा पाटिल का नाम दिया गया है, इससे प्रकल्पग्रस्तों को आगे और भी प्रेरणा मिलेगी, जो प्रलंबित प्रश्न हैं उनके समाधान के लिए नई दिशा तय होगी, और निश्चित तौर पर ये जो प्रवाह है आंदोलन का और जो प्रयासों का प्रवाह है, ये इन्हें खुशहाली की ओर लेके जाएगा। कैमरामैन रविचंद के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 India, नवीन भाई। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 India लाइव को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।